हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होने वाली है। क्यों? बिकॉज पीछे एक बॉक्स दिख रहा होगा। काफ़ी टाइम बाद एक नई एमटी हमारे साथ आई है। ये है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड बाइसाइकिल ब्रांड का एक मास्टरपीस, 91 साइकिल्स की तरफ से आने वाली ऑल न्यू नाइट हॉक 2090 लिमिटेड एडिशन माउंटेन बाइक। अब इसे यहाँ पर अभी अनबॉक्स करने वाले हैं। और वैसे भी गाइज, मैंने इसे आउटडोर्स 91 की वेबसाइट से मंगाया, www.outdoors91.com। मुझे लगा 4-5 दिन में आएगी साइकिल, बट 2 दिन पहले ही ऑर्डर करी थी। आज बॉक्स हमारे साथ यहाँ पर आ चुका है, प्रॉपर अनबॉक्स करेंगे। वैसे तो बॉक्स की साइज इतनी बड़ी है ना यहाँ पर, उससे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकिल 98% असेंबल्ड आती है और क्या कुछ असेंबली रहने वाली, सारी बातें करते हैं। मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा है, सीजर लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। इसको भी लोकेशन पर ले जाने वाले, मैं घर पे भी शूट कर रहा हूँ, इतने बड़े बॉक्स को तो कहीं ले जा नहीं सकता था, तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। आई होप आपको लाइट्स यहाँ पर प्रॉपर आ रही होगी। काफ़ी बढ़िया पैकिंग यहाँ पर आई है। वैसे देखो, हमें ऑनलाइन वीडियो कॉल असिस्टेंस भी, अगर मुझे कुछ इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है तो मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ, बट हम खुद ही असेंबल कर लेंगे यहाँ पर। देखो, यहाँ है हमारी साइकिल, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो आपको भी कलर आप पता कर पा रहे हो कि नहीं बताना, वैसे तो निकाल लेते हैं इसको जल्दी से बाहर। सो गाइस, फाइनली हमने अनबॉक्स करके जितनी इसकी रैपिंग थी ना, सब रिमूव कर ली। और सबसे पहले लुक्स चेकआउट करो यार, येलो कलर में कैसी लग रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, 98% साइकिल असेंबल्ड आती है और यहाँ पर मुझे एक बॉक्स दिख रहा है, एक बार व्यूअर्स को पास से दिखाना। इस बॉक्स को भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। हमें असेंबली साइकिल की करने में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ पैडल्स यहाँ पर लगाने हैं और साथ ही में जो हैंडल है उसको सीधा करना है। तो मेरे ख्याल से इसमें सारी एसेसरीज आपको मिल जाएगी, टूल किट से लेकर सब। यहाँ पर साइकिल की इनवॉइस भी है और साथ ही में मेरे दोनों पैडल्स, टूल किट सब इसमें मिल गया है। तो जल्दी से इसको असेंबल करते हैं। दोनों पैडल्स के ऊपर आपको यहाँ पर मेंशन रहेगा कौन सा लेफ्ट साइड है, कौन सा राइट साइड रहेगा, तो हम राइट साइड वाला पहले इंस्टॉल करेंगे। पैडल्स हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, लास्ट हमें सिर्फ इस हैंडल को फिक्स करना है, जिसे हमें प्रॉपर सीधा करना है। तो एलन की के हेल्प से मैं इसे पहले ढीला कर लेता हूँ थोड़ा। इस फाइनली लोकेशन पर आ चुके हैं, घर पे असेंबल करी और जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक प्रॉपर लोकेशन पर आकर इसका रिव्यू करने वाले हैं। एक एमटीबी और इसे ऑफ रोडिंग पर ना लेकर आए ऐसा हो नहीं सकता। पीछे आप व्यू चेकआउट कर सकते हो, अभी काफी ऑफ रोडिंग करके आया हूँ, सनसेट भी होने वाला है। जल्दी से आपके साथ इस बाइसाइकिल के सारे फीचर शेयर कर देता हूँ, इसे राइड भी करके बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नए साल में एक एमटीबी लेने का प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो आपको काफी हेल्प आउट करेगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले कलर चॉइसेस की बात कर लेते हैं। वेबसाइट पर मुझे 5 कलर शो हो रहे थे, सबसे अपीलिंग मुझे येलो लगा, इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर करा। बाकी चारों कलर ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो रहे होंगे, साथ ही में देख सकते हो यार येलो कलर कितना यूनिक यहाँ पर लग रहा है। साइकिल की डिजाइन आप कुछ चेकआउट कर सकते हो। फीचर से स्टार्ट करें, फ्रंट एज वेल एज रियर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। फ्रंट एज वेल एज रियर में आपको रैपिड एंड सिक्योर जैक 7 मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल आपको ऑफ रोडिंग में काफी बढ़िया ब्रेकिंग रिस्पॉन्स देने वाले हैं। अभी मैं अपहिल एज वेल एज डाउन हिल लेकर आ रहा था, ब्रेकिंग ने मुझे नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करा है। और ये जो सारे पार्ट्स है ना, 91 साइकिल्स ने डायरेक्टली कंपनी से लिए हैं, तो ओवरऑल आपको जो सर्विस है लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया मिलने वाली है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको जूम सस्पेंशन फोक मिलता है, जो कि काफी रिस्पॉन्सिव रहने वाला है। स्पेशली आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको लॉक सिस्टम मिल जाता है, इसे आप आपके अकॉर्डिंग लॉक इन लॉकआउट कर सकते हो। साथ ही में राइडर अपने प्रीलोड के अकॉर्डिंग सस्पेंशन को यहाँ पर एडजस्ट कर सकता है, तो ओवरऑल सस्पेंशन का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। राइडर को ऐसे हैंडल बार्स पर कोई भी जर्क्स फील नहीं होने वाला है, काफी ईजी रहने वाला है वाइल्ड राइडिंग। स्पेशली अनइवन ट्रैक्स पे तो आपको नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है चलाने में। साथ ही में कलर स्कीम्स देखो आप, यहाँ पर 91 की बैजिंग मिल जाती है और जो कलर स्कीम है ना, काफी कूल लग रही है यहाँ पर देखने में। पांचों ही कलर काफी बढ़िया लग रहे हैं, बट यार वो तो वेरी करता है आपको कौन सा पसंद आ रहा है। ग्राफिक्स भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। टायर्स की बात करें तो फ्रंट एज वेल एज रियर में आपको हाई ट्रैक्शन वाइड ग्रिप नायलॉन टायर्स मिलते हैं, जो कि 29 इंचेस के रहने वाले हैं। तो स्पेशली आप ऑफ रोड एज वेल एज ऑन रोड चला रहे हो, हाई स्पीड्स पे चला रहे हो, फिर भी आपको ग्रिपिंग से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पर प्रोवाइड करें, काफी स्टर्डी यहाँ पर लग रहे हैं। और अभी ये टायर इसलिए गंदे लग रहे हैं बिकॉज मैं बहुत सारी यहाँ पर ऑफ रोडिंग करके आए, बिकॉज यार आपके साथ रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, तो पर्सनली मुझे भी चलाकर देखनी थी, तो मैंने यहाँ पर काफी ऑफ रोड करके देखी, जैसा कि आप अभी शॉर्ट में भी देख पा रहे हो। साथ ही में बढ़ते हैं इसके पैडल्स की ओर।
पैडल आप यहाँ पर देख सकते हो काफी बढ़िया यहाँ पर ग्रिपिंग के साथ मिल जाता है, तो स्पेशली रेनी सीजन में भी अगर राइडर राइड कर रहा है ना, पैर स्कीड होने जैसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है, काफी प्रॉपर ग्रिपिंग के साथ यहाँ पर प्रोवाइड करें। साथ ही मैं वेबसाइट की बात कर रहा था, यहाँ पर साइकिल पे भी मेंशन है www.outdoors91.com, आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो साइकिल को। फ्रेम पर आपको यहाँ पर QR कोड मिल जाता है, तो अगर आपको इसकी वारंटी रजिस्टर करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से QR कोड स्कैन करके कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात लगी मुझे। गाइस आपके साथ एक और एक्साइटिंग बात शेयर करना चाहूंगा, ये Nighthawk 2090 लिमिटेड एडिशन साइकिल है, जो कि ओवरऑल आपको यूनिक तो लगी रही होगी देखने में, बट मार्केट में भी अनकॉमन रहने वाली है। साथ ही मैं अब इस बाइसाइकिल के वेट की बात करें, जो कि हर एक राइडर का सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही लाइट वेट साइकिल है, सिर्फ 19.4 केजी का इस साइकिल का वेट है, तो ओवरऑल आपको कैरी करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार फ्रेम की साइज कितनी है, तो इसकी फ्रेम साइज है 18.5 इंचेस की, अगर आप टॉल हाइटेड भी हो ना 6'2" 6'3" वो भी आपको काफी बढ़िया रहने वाली है। सीट्स की बात करते हैं, एक बार व्यूअर्स को पास से दिखाना, सीट्स यहाँ पर काफी एग्रेसिव मिल जाती है, तो स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। साथ ही में आप आपके हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, लाइक मैं मेरे हाइट के अकॉर्डिंग इसे नीचे करके एडजस्ट कर लेता हूँ, और आपको मैं एक बार बैठ कर भी दिखा देता हूँ इस बाइसाइकिल पर। तो ओवरऑल बैठने के बाद जो पोस्चर है ना मेरा, काफी बढ़िया है, बिकॉज इसका वाइड हैंडल बार आपको नेक्स्ट लेवल कंफर्ट प्रोवाइड कराने वाला है। साथ ही में फाइनली अभी साइकिल के गियर सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको इसमें जेन्युइन शिमानो के इक्विप्ड गियर सिस्टम मिलने वाला है, और कंपनी का भी कहना है कि यार ये जेन्युइन शिमानो प्रोडक्ट्स है। बहुत सारी इंडियन बाइसाइकिल्स में क्या रहता है ना, शिमानो नाम तो दे देते हैं बट वो ओरिजिनल शिमानो रहते नहीं, बट ये डायरेक्ट कंपनी से लिए हुए शिमानो जेन्युइन गियर्स आपको मिलने वाले हैं। फ्रंट डिरेलर की बात करें, तो फ्रंट में आपको शिमानो टॉर्नी TZ500 मिल जाते हैं। रियर की ओर बढ़ते हैं, तो रियर में आपको शिमानो एसेरा M360 गियर्स मिलने वाले हैं। बिलीव मी गाइस, गियर शिफ्टिंग इसकी इतनी स्मूथ है, जैसा कि अभी आप शॉट में भी देख पा रहे हो, ओवरऑल गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है। साथ ही में यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं, तो ओवरऑल आपके डिरेलर्स पर कोई भी इंपैक्ट नहीं रहने वाला है। एक बार आपको मैं गियर शिफ्टिंग भी इसकी शो कर देता हूँ। अब रिम्स की बात करें, तो फ्रंट एज वेल एज रियर में आपको ड्यूरेबल डबल वॉल्ड एलॉय रिम्स मिल जाते हैं, जो कि रस्ट फ्री रहने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में यार देखो, बहुत सारे अगर स्टूडेंट भी इस बाइसाइकिल को यूज़ करेंगे, तो आप कोचिंग्स ले जाओगे, स्कूल ले जाओगे, रेनी सीजन में यूज़ करोगे, पर्सनली मैं भी इसे ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करूंगा, रेनी सीजन में काफ़ी दिक्कत आती है, तो रस्ट से रिलेटेड आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अब हैंडल बार की बात करें, तो आपको इसमें स्टील हैंडल बार मिल जाता है, और इसके जो ग्रिप्स है ना यार, काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी है। साथ ही में इस हैंडल बार की लेंथ देखोगे ना, तो काफ़ी वाइड है, तो ओवरऑल आपको बैठने के बाद नेक्स्ट लेवल कंफर्ट ये प्रोवाइड करने वाली है। यहाँ पर आपको दोनों साइड शिमानो शिफ्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप 3 देख सकते हो, 7x3 21 गियर्स का पूरा सिस्टम रहने वाला है। फ्रंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको फ्रंट में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जो केबल्स है ना, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की प्रोवाइड करी है। साथ ही में मेरी जो फ्रेम का कलर है और ग्राफिक्स का कलर है, उसी कलर में केबल्स दिए, तो ओवरऑल मेरी बाइसाइकिल को काफी प्रीमियम लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही बहुत ही अपीलिंग लग रही है। ब्रेक लीवर्स की क्वालिटी है, काफी ड्यूरेबल रहने वाली है। फ्रंट एज वेल एज रियर में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 7-speed इंपोर्टेड फ्री व्हील मिलने वाला है, जो कि ओवरऑल आपके राइडिंग कंफर्ट को बहुत ही इनहांस करने वाला है। साथ ही में यार लुक्स चेकआउट करो आप इस साइकिल के, नेक्स्ट लेवल रोड प्रेजेंस आ रहा है यार। मतलब मैं बार बार लुक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, बिकॉज इतनी अपीलिंग ये बाइसाइकिल लग रही है, ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो Nighthawk की बैजिंग मिल जाती है, साथ ही में 91 साइकिल्स की यहाँ पर बैजिंग है। फ्रेम के वेट के बारे में तो हमने बात कर ली थी, बट एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये अल्ट्रा लाइट तो है, स्टर्डी भी है, बट ये एल्यूमिनियम फ्रेम आपको मिलने वाली है, जो कि ओवरऑल आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया रहने वाली है। बिकॉज यार कोई भी कस्टमर पैसे पे कर रहा है, तो उसे क्वालिटी मिलना चाहिए, और उस चीज के साथ 91 साइकिल बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी आपको प्रोवाइड करिए। सीट की अपोल्स्ट्री भी काफी बढ़िया है, और स्पेशली आप जितनी भी साइकिल्स देखोगे ना, जिससे आप ऑफ रोडिंग करते हो या लॉन्ग राइड्स करते हो, इसी डिजाइन में आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेम की बात करें, तो अगेन ये काफी ड्यूरेबल है, बिकॉज ये एलॉय मटेरियल से बनाया गया है, तो ओवरऑल जो पार्ट्स यूज करें ना, बहुत ही बढ़िया यूज करें। सो फाइनली अब इसे राइड करते हैं गाइस, गियर शिफ्टिंग सस्पेंशन सबकी बात करने वाले हैं, थोड़ा सा हाई स्पीड यहाँ पर राइड करके देखते हैं। ट्रैक आप देख सकते हो, नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है यार। सस्पेंशन तो यार बिल्कुल भी हैंडल बार पे जर्क्स फील नहीं हो रहे, तो अब ये वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग शूट हो रही है, बिकॉज यार कल शाम को यहाँ पर सनसेट भी हो गया था, आपको राइडिंग शॉट्स भी दिखाए, बट अभी आप व्यू चेकआउट करो कितना प्यारा लग रहा है। और आज इसके बाकी फीचर्स भी शेयर करने वाला हूँ, साथ ही में मेनली ये शेयर करेंगे कि यार नए साल में ये बाइसाइकिल लेना वर्थ रहेगी कि नहीं।
सो दोस्तों आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये बाइसाइकिल मैंने क्यों चूज करी, बिकॉज देखो यार एज अ क्रिएटर सोशल मीडिया प्रेजेंस का कितना इंपॉर्टेंस है आप सभी को मालूम है। इंडियन मार्केट में जितनी बाइसाइकिल कंपनीज है सबके कंपेरिजन में आउटडोर्स 91 के सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है, वही कहीं ना कहीं यूथ का ट्रस्ट इस ब्रांड की ओर दिखाता है। ओवरऑल सारे ही एज ग्रुप के साइकिल्स चलाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन रहा इस बाइसाइकिल को चूज करने के लिए। सो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह एक पैशनेट राइडर हो तो आपके लिए नाइटहॉक 29T एक मस्ट बाय प्रोडक्ट है। साथ ही में यार 91 साइकिल्स ने फिर से एक बार बता दिया कि क्यों ये इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड बाइसाइकिल ब्रांड है, बिकॉज जिस हिसाब से मैंने इस बाइसाइकिल को आज राइड कराया ना, भले ही वो अपील हो डाउन हिल हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल रहा है। कंफर्ट काफी बढ़िया था और स्पेशली इस टाइप के रोड्स के लिए टेरेन के लिए एक साइकिल कंसीडर कर रहे हो ना तो यार बेस्ट बाय प्रोडक्ट है। साथ ही में जहां पर साइकिल को बाय करने की बात आती है अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट बाय प्रोडक्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा www.outdoors91.com, जाके आप वेबसाइट चेक कर सकते हो। बट आप सब व्यूअर्स को बेस्ट डील्स भी चाहिए मुझे पता है, इसलिए मैंने चैनल का कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है। साथ ही में यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और इस साइकिल से रिलेटेड कुछ और भी कंटेंट चाहिए ना, कि अगर आपको क्रेजी ऑफ रोड चाहिए इस टाइप के ट्रैक्स पे, तो मुझे एक बार कॉमेंट में जरूर बताना, आप सबके लिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा। सो मिलते हैं इस एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।